हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वॉइस यानी कि वॉच के बारे में। वॉइस को दो भागों में बांटा गया है, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब होता है कर्ता वॉच और पैसिव वॉइस मतलब होता है कर्म वॉच। एक्टिव वॉइस मतलब वो होता है वे वाक्य जिनका प्रारंभ कर्ता यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है, और वे वाक्य जिनका प्रारंभ कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है। जब किसी वाक्य को कर्ता वाच से कर्म में बदलते हैं तो हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना होता है। पहला, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा वाक्य से पहले लिखते हैं। दूसरा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तीसरा, पैसिव वॉइस में सहायक क्रियाएं टेंस के अनुसार बदली जाती हैं। चौथा, पैसिव वॉइस में आवश्यक नहीं है कि कर्ता हो, यदि कर्ता हो तो उसे वाक्य के अंदर बाय लिखकर लिखा जाता है और अगर ना हो तो कोई बात ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको वॉइस अभी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब अगले आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किन किन टेंस की वॉइस चेंज होती है और कैसे चेंज की जाती है, क्या रूल्स हैं और फॉर्मूलेस बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब भी आज से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस में वॉइस के बारे में जो भी बताऊँगा तो आपको पता चलता रहे। मिलते हैं जल्द किसी और नए टॉपिक से किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।